Well, students of 12th class, I am here with a few important topics of physical education. Let me discuss one by one. Your first topic is importance of sociology in physical education and sports. Your second topic will be meaning and importance of physical fitness. And your third very important topic, that is the importance of yoga in modern times. We have to discuss, I would like to discuss one by one. Before that, I would like to say and like to start with this saying that man is a social animal, that is morality and ability. It is only the sociology which develop all those features like morality, ability and man. A man is a social animal by nature, he cannot live alone in society. Now question arises, it is not a matter of concern that how he live in society, but it is the matter of concern how he is able to adjust himself in the society. It is only the sociology which is, and we can say support sociology, which help him to reside or survive in the society. So we have to discuss various aspects today of this sociology in physical education and importance of sociology in physical and sports. Physical education sports, let me first of all say about what sociology is. It is a study of relationship between people living in groups. ये ऐसी relation है कि हम लोगों के साथ कैसे interact होते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं, ये सारी study जो है इसी को हम बोलते हैं sociology. In general, sociology means the study of human relations. अगर हम बताएं in general तो ये क्या है sociology, ये human की relations कैसे होती हैं और उनकी हम study कैसे करते हैं, इसी aspect को हम यहाँ पे describe कर रहे हैं. और जहाँ तक इसकी importance की बात है, firstly there is what it says, sociology helps in improving supports ethics. जहाँ तक moral ethics की बात होती है, it is only the sports and games which develops in us the sense of curiosity to face any hurdle coming in our way. It develops in us the moral ethics. So we can say which type of moral ethics, sportsmanship, quality of sportsmanship. ऐसा नहीं है, इसकी एक एग्जाम्पल मैं दूंगा. सबसे बड़े हमारी स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रिसाइट करना चाहता हूँ. एक बार ये खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाता है और उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो है उसको वापस क्रीज में वापस बुलाकर दोबारा खिलाते हैं. तो ये एक स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय जो है उन्होंने दिया था उस टाइम में. तो ऐसा नहीं है कि हमारे जब हम यहाँ पे खेलते हैं, खेलने के बाद ये आउट हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं आउट हो गया, मैं अंपायर का कहना नहीं मानूंगा, तो ये सारी स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं होता है. ये हम हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है, हम कितनी हम बियर कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर, कितने पेशेंस हैं, ये सारी जो है स्पोर्ट्समैनशिप में हमारे जो मॉरल एथिक्स हैं वो सारी चीजें हमें सिखाती हैं, ये सारी चीजें. और इसके बाद जहां तक संपैथी है, दूसरों के प्रति हमारी कैसी सोच है, हमारी कॉपरेशन आपस में कैसी है, हम कितना सही खेलते हैं, हमारे अंदर कितनी कॉर्टसी है, रेस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, हम बड़ों का कहना कितना मानते हैं, ये सारे आ जाते हैं मॉरल एथिक्स में, स्पोर्ट्स एथिक्स में. और ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी जो है ये हमें सिखाती है. और जहां तक दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू डेवलप गुड डिसिप्लिन. समवन हैज राइटली सेड, वाइज मैन टीच डिसिप्लिन, ग्रेट मैन एक्ट अपॉन इट व्हाइल फूल मैन डिफाइड. जहां तक डिसिप्लिन की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम डेली रूटीन की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्टॉप हिज कार by the signal of a traffic constable. That is discipline. Similarly, अगर हम nature की बात करें तो discipline क्या है कि जैसे sunrise और sunset, अगर sunrise जो है time पे नहीं होगा तो indiscipline है, अगर वो sunset नहीं time पे होता है तो indiscipline है. That means day और nights नहीं बनेगी अगर nature ने उस discipline को नहीं accept किया. सिमिलरली हम जहाँ डिसिप्लिन की बात करते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं क्रिकेट मैच की, तो वहाँ पर जैसे जो किस हम किस डिपार्टमेंट में, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, और जो वो कैप्टन जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी जो है अपोजिट को हराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हम उस पर नहीं चले,
हम बोलेंगे अब उसको जरूरत है यहाँ पे स्पिन अटैक कराने की, हम करवा, हम बोल रहे हैं नहीं मैं मुझे ही भेजो, वहां पर मैं की बात जो है वो खत्म हो जाती है। तो वो जहां पे मैं आ जाता है डिसिप्लिन वहां पे खत्म हो जाता है। तो हमें उसमें जो हमारा जो लीडर होता है, जो हमें चला रहा है, लीड कर रहा है, चाहे वो कैप्टन की शक्ल में हो, तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है? इट इज ओनली द फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। अगर हम सोशल हैं तो ये सारी चीजें जो है इनको हम वेलकम करेंगे, वरना हम हमेशा इनका विरोध करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात है हाउ टू डील विद अदर्स, हम दूसरों के साथ कैसे किस तरह से डील करें, ये सारी चीजें जो है सोशियोलॉजी जो है वो फिजिकल एजुकेशन में हमें सिखाती है। हेल्प इन एडजस्टमेंट, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि हम सोशियोलॉजी का मतलब है, हमने बोला मैन इज ए सोशल एनिमल, बेशक वो सोसाइटी में रहना के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जरूरियात इंडिविजुअली हल नहीं कर सकता है, वो सोशल है, मगर वो कैसे उसको अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है, कैसे डालता है वो उसको, वो सारी चीजें जो है उसमें कौन मदद करता है, इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी विच हेल्प इन फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स। सिमिलरली हेल्प्स टू अचीव लीडरशिप क्वालिटीज, जहाँ तक अगर हम, क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल बता कोट करूँगा यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्समैन की, जहाँ तक क्वालिटी है 1983 में जो हमारे कैप्टन थे कपिल देव, उन्होंने वर्ल्ड कप हमें जिताया। तो ये जो गेम स्पोर्ट्स होती है ये इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, हमें हर स्पेयर में अच्छा करना है, और उसके बाद फील्डिंग का है, बॉलिंग का है, बैटिंग का है, जब हम तीनों फॉर्मेट्स में हम अच्छा काम करेंगे, और उसके बाद हमारा जो लीडर जो है वो कैसे हमें चला रहा है, इसके बाद मैं और एग्जांपल रिसाइट करूंगा। फिर हमारे बाद जो हमारे जिसको हम कैप्टन कूल भी बोला करते हैं, जिसका नाम MS धोनी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम सेकेंड टाइम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए, इट वॉज हिज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कि उसके अंदर कैसी लीडरशिप है। हमने अक्सर उनको देखा है प्रोग्राम में, आपने भी वाच किया हो, क्योंकि बताया जाता है गुड स्पोर्ट्समैन इज वन हु विन विदाउट प्राइड एंड लूज विदाउट बिटरनेस। तो आपने देखा होगा जब वो हारता भी था, कोई अगर मैच भी हारेगा तो उस हार को बड़े कैसे एक्सेप्ट करता है, किसी पर ब्लेमिंग नहीं करता कि देखो जी ये इस फील्ड में हमें इस बॉलर ने, नहीं, जनरली उसको टीम एफर्ट देकर उसको जो रिप्लाई करता था उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर किसी को नाराज नहीं करना है, कि उसको सिर्फ चलाने की क्षमता जो था वो पैदा करता था, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हम कैसे किसी को चलाते हैं, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई, जैसे पूरा देश जो है वो कैसे रन होता है, इट इज ओनली द लीडरशिप क्वालिटीज। और ये सारी चीजें जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है ये कौन सिखाता है, इट इज ओनली द फिजिकल एजुकेशन एंड दैट इज द सोशियोलॉजी इन फिजिकल। अगर वो सोशल है तो वो नेचुरली उसके अंदर ये सारी चीजें बोझ की तरह नहीं पड़ेंगी, उनके उसके वो ये सारी चीजें अडॉप्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। ये इस चीज में मैंने हमने डिस्कस किया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स। अब जहां तक मेरा जो दूसरा टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। साउंड माइंड रिजाइड इन ए साउंड बॉडी, दैट इज ए गुड स्पोर्ट्समैन कैसा होगा, ए ऑल वर्क बट नो प्ले मेक जैक ए डल बॉय। साउंड माइंड रिजाइड इन ए साउंड बॉडी, जो मैंने पहले आपको बात बताया, जब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, तो ये ओनली स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। तो जब हम फिट हैं, जब हम स्पोर्ट्स में और गेम्स में जब हम फिट हैं, तो नेचुरली अगर हमारी हेल्थ फिट है तो हमारी फिटनेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हम मेंटली भी साउंड हो सकते हैं, और जब हम फिजिकली साउंड हैं तो हम मेंटली भी साउंड हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक यहाँ मीनिंग का सवाल है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो डिफरेंट फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी थीसिस दी है, अपने अपने जो व्यूज हैं इसके बारे में दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले कोट करूंगा यहाँ पे डेविड आर लैम, जो कि बहुत बड़े फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, उसने बताया था फिजिकल एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज ऑफ लाइफ विद सक्सेस, कामयाबी के साथ। किसी भी फिजिकल फिटनेस जो है वो कैपेसिटी है, उसके अंदर की क्षमता है कि वो किसी भी फिजिकल चैलेंज को आसानी से
वो एक्सेप्ट करता है उस किसी चीज को और उसके बाद उसकी कामयाबी होती है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि सक्सेस डज नॉट कम टू अस, रादर वी हैव टू गो टू द सक्सेस। सक्सेस ऑफ ए पर्सन नॉट डिपेंड सोलोली ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स, इट इन वंस अदर्स कॉन्फिडेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। सिमिलरली वी कैन से देयर वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट इम्पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इम्प्रूव करता है। इन ए डेली फिजिकल फिटनेस पर्सन मैनेज टू रूटीन वर्क एफिशियंटली एंड विदाउट गेटिंग फटीग, थकावट और थकान के बगैर किसी भी काम को जब वो सक्सेसफुली अंजाम देता है, कामयाबी के साथ अंजाम देता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि वो फिजिकली फिट है। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो दूसरा है, इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियो वास्कुलर डिजीजेज। फिजिकली फिटनेस इज लेस प्रोन टू क्रोन हार्ट डिजीजेज। जहां तक फिजिकल फिट जो होने की बात है तो उसके ऊपर बहुत कम बीमारियों का असर होता है। जब वो फिजिकली फिट है तो उसके ऊपर जो बीमारी जो है वो बीमारियों का शिकार नहीं होता है, वो प्रे नहीं होता है उसका। और वो जैसे ज्यादातर जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, जब वो फिजिकली फिट होता है तो वो ये सारी एक्सरसाइजें करता रहता है तो वो इन बीमारियों का शिकार नहीं होता है। उसके बाद ग्रोथ और डिवेलपमेंट। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल चेंज इन वेट साइज और वैल्यूम ऑफ ए बॉडी। उसके बाद डिवेलपमेंट क्या है? और उसके बाद हारमोनियस, आपको मालूम होना चाहिए हारमोनियस क्या है, बराबरी के साथ उतनी ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है। ये सब जो है किसकी वजह से है? ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की वजह से है और यही इंपॉर्टेंस है इसकी। और उसके बाद हम जब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, जबकि हम स्ट्रेस और टेंशन के दौर में गुजर रहे हैं, हालांकि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, पर जहाँ तक फिजिकल फिटनेस की बात है तो ये सारी जब हम करेंगे तो इससे हमें फिजिकली भी फिट रहेंगे और हमारे अंदर जो स्ट्रेस होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो इट फुलफिल्स प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो खत्म कर देगा। और उसके बाद दूसरा, क्योंकि वो कैसे होगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ हम कैसे जस्टिफिकेशन लेंगे, क्योंकि हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा तो हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकेंगे। जब हमें भूख लगेगी तो नेचुरली हम डाइट जो है वो लेंगे, क्योंकि जब जिस खाने को हम पचा नहीं सके तो वो खाना जो है वो बेसूद है और मीनिंगलेस है। इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एजिंग प्रोसेस है उसमें डिले करता है, आपने देखा होगा इन कंपैरिजन टू जो एथलीट्स हैं स्पोर्ट्समैन हैं उसके मुकाबले में एक जो आम आदमी है वो उसकी एजिंग जो है वो बढ़ापा जो है वो जल्दी आ जाता है उसके मुकाबले में, क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो जल्दी रिड्यूस हो जाती है उसके मुकाबले में एक स्पोर्ट्स और एथलीट जो है वो, क्योंकि वो रेगुलरली अपनी बॉडी के साथ वर्क कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है तो वो फिट रहता है। सिमिलरली इंजरी जो होती है या उसको कोई बीमारी होती है उसमें उससे जल्दी रिकवरी होने में जो है मदद करता है, क्योंकि वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी डिवेल्प हुआ होता है। सिमिलरली मोटर एबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इम्प्रूव हो चुकी होती हैं, इट इज़ ड्यू टू फिजिकल एजुकेशन। और जहाँ तक बेटर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम्स है, गुड हेल्थ एंड ऑप्टिमम डिवेलपमेंट ऑफ बॉडी, इट अटेन्स गुड शेप, जिसकी वजह से जब वो फिजिकली फिट है तो उसकी बॉडी का शेप जो है वो बिल्कुल फिट रहता है, उसका जो साइज है उसका बाद स्ट्रक्चर जो है उसका जो वेट है वो भी एक कंट्रोल में रहता है। सिमिलरली वी आल्सो रिमूवल पॉस्चर की डिफॉर्मिटी थ्रू इट, इसके बाद जो हमारे बीच में जो डिफॉर्मेशन आ जाती है वो चेंजेस आ जाती हैं वो सारी हम फिजिकल एजुकेशन की वजह से इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, विद मूविंग अहेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आई हैव टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन द मॉडर्न टाइम्स एंड वट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा वी हैव टू डिस्कस टूडे। बिफोर गोइंग थ्रू दिस, देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, आई विल डिस्कस देम वन बाई वन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से अबाउट द वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन द मॉडर्न टाइम्स। आई वॉन्ट टू से यू स्टूडेंट्स, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, ट्रूथ or say fact that modern age is the age of stress, it is the age of tension and anxiety, that is why people are falling prey to the various diseases. जब लोग जो हैं बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तो इस वक्त योगा जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल।
to fight against those diseases and just to help to maintain the body posture. ये जहाँ तक हम योगा की बात करते हैं, so credit should be given to the present government who brought this yoga in the world arena, and 21st June is declared at the World Yoga Divas. That means Yoga Day is celebrated on 21st of June. I want to say what is the importance when there was stress, जहाँ पे stress थी, परेशानी थी, tension थी, और उसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे थे, तो उस वक्त एक समय की एक पुकार थी कि हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट करें जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें. तो उसमें हम जो यहाँ पे जो बाबा रामदेव है उसको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसका की बहुत बड़ी भूमिका रही कि 21 जून को उसने वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना पड़ा कि योगा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये सिर्फ एक्सरसाइजेस तक ही महदूद नहीं है. जहाँ तक योगा की बात है, इट इज ऑल्सो द प्योरिटी ऑफ सोल. कुछ लोग बोलते हैं चलो जी ऐसे हाथ करना है, आसन करना है, कुछ करना है तो यही योगा है. नहीं, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके साथ साथ एक प्योरिटी ऑफ सोल की भी बात इसमें होती है. जहाँ तक यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा. फिजिकल प्योरिटी, जहाँ तक फिजिकल प्योरिटी जिसको हम शुद्धि बोलते हैं उसकी बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी क्लींज बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस. जब बहुत सी योगिक एक्सरसाइज हम करते हैं तो बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए. जैसे हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो लीवर है, उसके बाद हमारा इंटरनल ऑर्गन जो है वो हार्ट है, ये जो है स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह गॉल ब्लैडर, जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर प्योरिटी लाने के लिए योगा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है. जहाँ तक क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, सबसे पहले जब हम कंटिन्यूसली ये योगा जो है अप्लाई करते रहेंगे तो हम जो है बहुत से हमारे जो शरीर जो है वो स्मूथली काम करेगा और हम बहुत सी डिजीजेस का शिकार नहीं होंगे. जहाँ तक मेंटल टेंशन की बात है, जबकि आज का जो युवा है, आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत से टेंशन का शिकार है, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह से की जो परेशानी उसके अंदर है उसको रिड्यूस करने में योगा जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकता है. सिमिलरली और ये कर रहा है बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेंशन. इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन, और उसकी वजह से ये जो योगा जो है हमें इस टेंशन से बाहर निकालता है. कीप्स द करेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का जो शरीर का जो पॉस्चर है उसको संतुलित रखता है, उसको मदद करता है बैलेंस रहने में. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जहाँ तक उसकी जिसको हम रूहानियत भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी बोलते हैं, तो उस वजह से जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एनहांस करने में योगा जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है. जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सिर्फ योगा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और जहाँ पर भी हमें कोई इंजरीज होती हैं वहाँ से हमें जल्दी से हम रिकवर होने में मदद करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो या उसकी वजह से जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. सिमिलरली रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये यहाँ की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है, दुनिया भर की समस्या है, और उसको उसकी वजह से जब ओबेसिटी हो जाती है, जब मोटापा हो जाता है तो इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है. तो उस रिड्यूस ओबेसिटी को रिड्यूस करने में योगा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है. उसके बाद जहाँ तक मॉरल एथिक्स की बात करते हैं, तो जब हमारी साउंड माइंड रिजाइड इन ए साउंड बॉडी, तो जब हमारी साउंड बॉडी होगी तो हमारी सोच भी साउंड होगी, तो वो उसको एनहांस करने में, हमारी जो मॉरल एथिक्स को एनहांस करने में योगा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है. मूविंग अहेड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योगा, देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, दैट इज यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, दहनवा, ध्याना और समाधि. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 8 जो हैं ये एलिमेंट्स हैं इसके योगा के, जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है उनकी हमारे शरीर में और फिजिकल एजुकेशन में, उनकी क्या रोल है. सबसे पहले हम जब हम बात करते हैं
यमा की, यमा क्या है, रिस्ट्रेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अष्टांगा योगा, इट कंसर्न्स बिहेवियर, हमारा बिहेवियर जो है वो स्वभाव कैसा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बोलते हैं कि बिहेव लाइक ए फ्लावर विच इवन ऑन कटिंग यू फ्रेग्रेंस टू द क्रशिंग हैंड्स, तो इंसान का व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, एक फूल की तरह होना चाहिए जो उसे करने वाले तोड़ने वाले हाथों को भी अपनी खुशबू देता है। तो ये हमारा व्यवहार जो है वही बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह एक बार मैंने एक लेसन पढ़ा हुआ था ऑन सीइंग प्रेज, कि हमारा बिहेवियर कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब हम एजुकेशन को बोलते हैं तो जब हमारे अंदर एजुकेशन आ जाती है तो हमारा नेचुरली जो बिहेवियर है, हम हाउ वी टॉक, हाउ वी रिएक्ट विद अदर्स, दैट इज अवर बिहेवियर एंड हाउ वी शुड बिहेव, ये सारी चीज़ें जो है योगा सिखाता है। तो उसमें बताया था ऑन सीइंग प्लेज, ऑन सीइंग प्लेज, कि हम बैड मैनर्स कैन बी वन थ्रू एक्स्ट्रा पोलाइटनेस, और हमारे जबान में इस तरह की तलखियां नहीं होनी चाहिए, हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, हमें सहनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें किसी भी चीज़ को सहने की क्षमता होनी चाहिए, फिर जाकर हम बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये रिस्ट्रेंटनेस, यही इसी को यमा बोलते हैं। और उसके बाद ये बोलता है नॉन वायलेंस, इसके बाद अहिंसा, इसको जब हम यमा में जब हम इसको और डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आता है अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, जैसे हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे, वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस, तो उन्होंने बोला था इफ वी सो पॉइजन वी विल नेवर ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम इट, तो ये उनकी उनकी बोली जो थी हमेशा थी यही थी कि ये गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली का जवाब बोली से दिया जाता है। सिमिलरली सत्य मीन मैं जयते, दैट मीन्स सच्चाई की हमेशा जीत हो जाती है। उसके बाद आस्था मीन्स नॉन स्टीलिंग, सिमिलरली ब्रह्माचार्य, ये सेलिब्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अबस्टैंडिंग फ्रॉम सेक्चुअल रिलेशंस, तो ये नफ्सो नफ्सियात की बात भी हो जब हम बता सकते हैं, तो उस पर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ये जो एलिमेंट है यमा, इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। सिमिलरली अपहरिगमा, अपहरिगा मीन्स नॉन पोजेसिवनेस, लिविंग विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, देखो मिला तो ना मिला, मिला तो कुछ बात नहीं, जितनी नीड होगी उसके मुताबिक ही उसी चीज़ पर हम सेटिस्फाइड हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है अपहरिगा में। फिर उसके बाद आता है नियमा, नियमा, नियमा मीन्स ऑब्जर्वेंस, और स्वच्छ मीन्स फिजिकल वेल, मेंटल प्यूरिफिकेशन, स्वच्छ। उसके बाद आता है संतोष, संतोष मीन्स कंटिनेंट, मीन्स पीस, उसके मन में बिल्कुल संतोष है, वो अपनी जगह बहुत सेटिस्फाई है। फिर उसके बाद आता है तपस, तपस होता है, तपस्या से वर्ड आ गया यहाँ पर, ये आता है कोशिश, जब हम तपस्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं तपस। फिर उसके बाद आता है सवाध्या, मीन्स सेल्फ स्टडी, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, स्टडी ग्रेट होली लिटरेचर्स एस्पेशली वेदास, ये यहाँ पर वो वर्ड जो है इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद आता है ईश्वर प्रतिनंदा, मीन्स सरेंडर टू गॉड, और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद की तरफ से, जब उन्होंने उनके उनको कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने हर एक रिलीजन की स्टडी की, उन्होंने यही वहाँ पे पाया कि ऑल रिलीजन्स टीच द सेम थिंग एंड लीड्स टू द सेम गोल। सो सिमिलरली देयर इज अनदर थिंग दैट इज आसना, आसना क्या है, ये पोजिशन है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पॉस्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आसना में आती हैं। और उसके बाद दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आसना सच एज कोरेक्टिव आसनाज, रिलैक्सिव आसनाज एंड मेडिटेटिव आसनाज। मेडिटेशन क्या है, चुपचाप करके पूरे ध्यान में आंखें बंद करके सीधा हम प्रार्थना के साथ, वाहेगुरु के साथ, खुदा के साथ बिल्कुल हम अपना कंटेक्ट जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नेचुरली हमारे बीच में बिल्कुल हम पूरे अपना ध्यान जो है वो एक तरफ लगाते हैं। सिमिलरली देन कम्स प्राणायाम, प्राणायाम मीन्स लाइफ फोर्स, आयमा मीन्स टू कंट्रोल, दिस इज रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि हम अपने सांस को जहां एक मिनट भी एक सेकंड भी सांस के बगैर रह नहीं सकते, तो वहां पर ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर एक एंड्योरेंस बढ़ाती है योगा, जिसकी वजह से हम काफ़ी देर तक अपनी सांस रुका कर चला कर अपनी उसकी जो स्पीड है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है धारणा, धारणा क्या चीज़ है, धारणा होता है अपने आप को उसमें ढालना,
seems tendency to scatter, but scattered mind is brought under control. जब बिखरा हुआ दिमाग होता है इसको under control करना है. और धरना is a mental exercise. धरना जो है वो क्या है, वो एक mental exercise है which enables a yogi to go ahead towards ध्यान and समाधि. और वही चीज जो है उसको योगी बनाती है, और योगी का ध्यान जो है वो पूरा इसकी तरफ होता है और उसकी तरफ उसको मोल्ड करता है पूरी तरह से. उसके बाद आता है ध्याना. ध्यान वर्ड जो आता है कंसेंट्रेशन की तरफ, ध्यान उसका उधर कला. अगर आपका ध्यान क्लास में है तो नेचुरली यू विल गेट समथिंग आउटपुट फ्रॉम हियर. जब आपका ध्यान नहीं है वहां पर तो इसका मतलब आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली कंट्रोलिंग द माइंड लीडिंग टुवर्ड द हाई, इस वक्त जब आप क्लास में होते हैं तो इसका ध्यान क्लास में और बाहर की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, और आपका एक मिशन एक टारगेट होना चाहिए. तो इस तरह से हमारी कंसेंट्रेशन जब एक तरफ की होती है तो दैट मीन्स वी इट इज ध्यान. Then lastly it is samadhi. Samadhi क्या है? It is a super conscious where dhyana reaches its climax. जब climax पे पहुंच जाता है dhyana, जब उसके last पे पहुंच जाता है ध्यान, that is called samadhi. It is a state of union with God. और during samadhi जो है बहुत से visions भी हुए जिन्होंने बहुत मेहनत की तपस्या की, तो लोग जो हैं बाद में उनको जैसे गॉडेस होते हैं वगैरह उनकी देवी देवताओं की उनके दर्शन जो हैं उनको वहाँ पे होते हैं. ड्यूरिंग समाधि द योगीज बिगिन टू फील द ट्रूथ. और योगी जो है वो सच की तरफ जाना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं. फॉरगेट हिमसेल्फ कम्प्लीटली एंड बिगिंस टू एक्सपीरियंस द डिवाइन प्लेजर. जो डिवाइन प्लेजर जो होता है तो उसकी तरफ वो ध्यान होता है उनका, और कम्प्लीटली अपने आप को ये जो दुनिया की हवस है, जो दुनिया की जीने की जो थ्रस्ट है उसको सारा खत्म, उसको ध्यान में रखकर सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ स्ट्रेस देते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, I am here with a lecture 2, and today I have to discuss 3 topics, in which I would first of all like to start with need of moral education in modern sphere. Students, I want to say from here that although man has made a remarkable progress in this era, in this modern age, but still there is loss of moral ethics and moral values. So what is the need of these modern, those moral values we have to discuss. What is the need of moral education in the modern sphere? Firstly, I would like to say what is the importance of effective moral education in schools and colleges help students to understand and apply morals such as care and compassion. तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मॉरल एथिक्स है. सबसे पहले मैंने आपको जब शुरू किया था फिजिकल एजुकेशन में मैंने बताया था कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन. तो मॉरल वैल्यूज जो हैं वो हमारे अंदर जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही पैदा करती है. तो इफेक्टिव मॉरल एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कि जब हम स्टडी करें इफेक्टिव तरीके से तो इससे क्या होगा हम कि हमारे अंदर केयर आएगी, कंपैशन आएगा, एंड डूइंग योर बेस्ट, फेयर गो, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस. हमारे अंदर ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, इंटीग्रिटी आएगी, हमारे अंदर रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स दूसरों के प्रति हम कैसे उसकी रिस्पेक्ट, और उसके बाद हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, हमारे अंदर कितने पेशेंस हैं, हम किसी को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आ जाएंगी. ये किस वजह से आएंगी, ओनली ड्यू टू द मॉरल एजुकेशन, और जो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि मॉरल एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए. और यही एक माध्यम है, यही एक सोर्स है स्पोर्ट्स एंड गेम्स जिसके जरिए ये सारी वैल्यूज जो हमें हमारे अंदर आ सकती हैं. ये इससे क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड इन न्यू जनरेशन. किसी ने बोला है any adventure wrongly conceived is an inconvenience and any inconvenience rightly conceived is an adventure. तो जब हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली सोचेंगे तो नेचुरली वो पॉजिटिव चीज़ बन जाती है. तो किसी भी हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हम हमारी सोच पर निर्भर करता है, और ये सोच हमारे अंदर जो है पैसिमिस्ट और एक्टिव जो है ये जो सोच है ऑप्टिमिस्टिक और पैसिफिस्टिक सोच है सिर्फ ओनली एंड ओनली गेम्स एंड वैल्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं ये हमारे अंदर डालती हैं. उसके बाद
जहाँ तक एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है मॉरल एजुकेशन, डेमोक्रेटिक क्वालिटीज, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति की जो जो इज्जत है उसकी क्या है, उसका उसका सोसाइटी में क्या मकाम है, उसके अंदर सोशल जस्टिस क्या है, उसकी लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जो भी कुछ है। कुछ लोग तो अपनी आज़ादी से ज़्यादा, हमें जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे के रखी हुई है, इंटीग्रिटी दे के रखी हुई है, लिबर्टी दे के रखी है, जस्टिस दे कर रखी है, मगर जहाँ तक कभी कभी हम उसकी बाउंड्री लाइन्स को भी क्रॉस करते हैं, वट इज़ ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। तो किसी देश को बिगाड़ने के लिए मिसाइल बम नहीं चाहिए, एटम बम नहीं चाहिए, किसी देश को उड़ाने के लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो अगर इम्प्लीमेंट हो तो देश जो है वो बर्बादी की तरफ जाता है, और किसी भी जो कौम जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाती है। सिमिलरली हारमोनियस, जब हम बराबर को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आइडियालॉजीज, जब हम बराबर की जो हर एक आइडियोलॉजी को हमने रेस्पेक्ट करना है, रिगार्ड देना है, यही हमारे मॉरल एथिक्स हैं। सबको साथ लेकर चलना, हर एक की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना, इसीलिए जो एक लेसन था आरएल बसन ने बताया हुआ था हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें बताया हुआ था कि इंडिया हैज़ वॉक थ्रू टमल्टस एजेस, न्यू मैन अराइजेस एंड वॉर्न्स अस अबाउट अवर लैप्सेस। यही है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। तो इंडिया हैज वॉक थ्रू टमल्टस एजेस, न्यू मैन अराइजेस एंड वॉर्न्स अस अबाउट अवर लैप्सेस। हमारे अंदर क्या क्षमता है, असल में जो बाहर की जो जिनका मैंने अभी तक नाम लिया वो ख़त्म नहीं हुए, मगर उनकी जो तहजीब थी, उनका जो कल्चर था वो ख़त्म हुआ। जहाँ तक इंडियन कल्चर ट्रेडिशन की बात है, हमने सिर्फ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, जबकि जो बुरी चीज़ें, बुरी जो हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी, और बहुत सी बुराइयाँ जो हमारी सोसाइटी विल्स थी, उनको हमने बाहर निकाला। यही हमारे अंदर बहुत बड़ी शान है, और ये सारी चीज़ें कौन डिवेलप करता है, ये सिर्फ मॉरल एजुकेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस मॉरल एजुकेशन के पीछे कौन है, वो है फिजिकल एजुकेशन। ये इनकलकेट मॉरल बेस्ड एजुकेशन इनकलेट सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड फेलो फीलिंग अमंग पीपल। हमें अगर आप इसका उदाहरण में देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स में कि सारे लोग जो हैं, जो टीम वर्क होता है तो वो कैसे उसको फॉलो करते हैं कैप्टन की कहने पर, जो टीम कैप्टन के साथ कॉपरेट नहीं करती वो टीम जीत नहीं सकती। तो इसमें हमारी कॉपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, फेलो फीलिंग्स एक दूसरे के, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। जैसे हम इकट्ठा एक महाज पे इकट्ठा होकर हम जब लड़ते हैं या खेलते हैं तो नेचुरली हमारी जीत जो है वो निश्चित होती है। सिमिलरली नीड ऑफ फॉर मॉरल एजुकेशन इज कंस्टेंट इंक्रीजिंग एज वेल एज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग वायलेंट एक्टिविटीज, बिहेवियरल डिसऑर्डर। हमारा स्वभाव जो बार बार मैं आपको क्लास में बोलता रहता हूँ कि हमारा स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए, बिहेव लाइक ए फ्लावर विच इवन ऑन कटिंग गिव फ्रेग्रेंस टू द क्रशिंग हैंड्स। हमारा स्वभाव जो है एक कैसा होना चाहिए, एक फूल की तरह होना चाहिए जो उसे काटने वाले जो जालिम हाथ होते हैं उनको भी अपनी खुशबू देता है। तो सिमिलरली हमारे अंदर इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए। दूसरा, वुड लीड अस, मॉरल एजुकेशन विल लीड अस टू अटेन अल्टीमेट गोल, पीस ऑन अर्थ। और अल्टीमेट गोल जो है वो पीस ऑन फन, जब तक ना हमारे अंदर पीस होगी, शांति नहीं होगी, तो हम आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते। हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं होना चाहिए, इंसान का माइंड जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन से सारी कौमें जो हैं बर्बाद होती हैं, उसकी बहुत सी मिसालें भी पीछे हम बता सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं पीस एंड वॉर, जब हम उनका बताते हैं तो जो वॉर जो है ब्रिंग हॉरर्स, आपने देखा होगा इसके क्या नतीजे हैं, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मारे जाते हैं। जापान की बर्बादी हुई, ये तो पास्ट की बात थी, रिसेंट में कितनी कंट्रीज जो हैं इस वार के नाम पे बर्बाद हुई। तो पीस से ही शांति होती है, अगर अमन होगा तो हम लोग जो हैं तरक्की के मार्ग पर चल सकते हैं, अगर लड़ाई हो, जंग हो, तो नेचुरली हम तरक्की के मार्ग पर नहीं चल सकते। मगर ये सब मॉरल वैल्यूज की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से हम इतने डिस्ट्रक्टिव स्टेप्स जो हैं वो ले लेते हैं। सो किसी ने क्या कहा था, डोंट ट्राई टू बी सीजर विच कार्टल डिवाइड, बट ट्राई टू बी
नीडल विच जॉइंटेड यूनाइट, ये भी एक वैल्यू है, पहलू है उसका, कि वो हमें सीजर का काम नहीं करना है, हमने नीडल का काम करना है, हमने डिफरेंट आइडियोलॉजीज को इकट्ठा करना है, एक साथ चलने का हमें एक, और ये सारी चीज़ें मॉरल एथिक्स में आ जाती हैं। जहाँ तक मॉरल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात है, इज नीडेड टू प्रमोट इंडिविजुअल सोशल वेलफेयर, लव, पीस, गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारे अंदर तो मॉरली हम जो भी कुछ काम करें वॉलेंटरली करें, और हमारे अंदर वो मॉरल एथिक्स डिवेलप हो जाएं, जिसकी वजह से हम दूसरों के काम आ सकें। क्योंकि डोंट ट्राई टू बी, किसी ने खुद कहा, बोल क्या कहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू बिकम दिस स्टार फॉर द वर्ल्ड बट ट्राई टू बिकम एटलीस्ट कैंडल ऑफ योर होम। अगर आप बाहर नहीं बन सकते हो, सूरज नहीं बन सकते, तारे नहीं बन सकते, तो एटलीस्ट कैंडल बनकर दिखाओ। बच्चों, हमने पहले डिस्कस किया मॉरल एजुकेशन इन मॉडर्न स्पेयर, उसके साथ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि रोल ऑफ टीचर्स पेरेंट्स टू इम्पॉर्ट मॉरल वैल्यूज टू द चिल्ड्रन। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इफ़ यू एजुकेट ए बॉय यू एजुकेट एन इंडिविजुअल एंड इफ़ यू एजुकेट ए गर्ल यू एजुकेट होल सोसाइटी, बिकॉज मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पर जहाँ ये क्वेश्चन की बारी आती है कि रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ नेशन, टीचर्स आर द पिलर ऑफ नेशन, टीचर इज ए मैजिक डिवाइन, ही बर्न्स बट द वर्ल्ड शाइन। तो ये जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कोट करना चाहूँगा, एक उर्दू का कपलेट, जो बात किसी से ना होती हो वो बात दुआ से होती है, जब कामिल उस्ताद मिले तो बात खुदा से होती है। कि एक अच्छी टीचर, अच्छे अध्यापक के ज़र साया तालीम हासिल करने वाला जो स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, वो कल का होने वाला एक अच्छा नागरिक हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है, और जो भी हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंट रोल अदा करते हैं और कमिंग जनरेशन। इसीलिए पंडित इस महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने कहा था कि एवरी वन पर्सन शुड शेयर द वर्क ऑफ नेशन, इट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ टू रिकन्स्ट्रक्ट द नेशन बिकॉज दे आर सिटीजंस ऑफ टुमारो एंड दे हैव टू बिल्ड द टुमारोज नेशन। तो हम बता सकते हैं कि बर्बादी का सबब कोई और नहीं हो सकता है, एक अधूरा अध्यापक ही जो है वो बर्बादी का सबब बन सकता है समाज के लिए। मगर जहाँ तक उसकी जिम्मेवारियों की बात है, उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है पेरेंट्स की इसमें मॉरल वैल्यूज के को इम्पॉर्ट करने में चिल्ड्रन में, वही चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि पेरेंट्स शुड टेल चिल्ड्रन अबाउट आवर कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम घर में गुजारते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है हम स्कूल में गुजारते हैं, और पहला जो लेसन जो है वो हमारे घर से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड टेल द चिल्ड्रन अबाउट आवर कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, हमारी ट्रेडिशन क्या है, जो हमारी आती रही, जो कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी, वो सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अबाउट द वेरियस गोल्डन मॉरल वैल्यूज़ एंड वर्चूज़, बच्चे को के अंदर उसको पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या, कौन से मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल एथिक्स क्या है, और क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ें जो है पढ़ाई जानी चाहिए, और इसके लिए पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं, जब भी हम क्लास में देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका आगे, उसकी जो पेरेंट्स की क्वालिटीज़ हैं ये बच्चे के अंदर आगे रिफ्लेक्ट होती हैं। और उसके बाद टीचर जो है उसके टैलेंट को तराशता है, उसको आगे ले आता है, उसको आगे एक गाइड के तौर पर काम करता है। तो मगर समय ये कहना, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे के अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो देने की, जो बहुत बड़ी बात जिम्मेवारी है वो पेरेंट्स पर होनी चाहिए। उसके बाद टीचर भी इस, ये जो बाकी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एथिक्स का होना, मॉरल एजुकेशन का होना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ही शुड टॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब उसको सच और झूठ के बीच में डिफरेंस
यानी कि इम्तियाज करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करनी होगी, तो वो टीचर ही पैदा कर सकता है, वो पेरेंट्स ही उसके अंदर वो चीज़ें डाल सकते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है और किस चीज़ को हमने फॉलो करना है, और इस तरह से व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड एंड इंडिविजुअल हैव टू डिसाइड विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड, और क्या वो फ़र्क डाल सकता है कि ये बुरा है ये अच्छा है, किस से हम अपलिफ्ट हो सकते हैं, किस से हम दूसरों के काम आ सकते हैं, ये सारी वैल्यूज जो है पेरेंट्स इम्पॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लास्टली इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले बताना चाहूँगा कि चिल्ड्रन शुड बी टॉट विच इज़ गुड, सिमिलरली टेक गुड थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर एंड नॉट बैड थिंग्स। जहाँ तक कल्चर की बात मैंने अभी पहले स्टार्ट में ही बताया था कि हम भारतवासी जो हिंदुस्तानी हैं उनकी एक ये बहुत बड़ी सोच है कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और अपनी जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, तो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इतना डोमिनेट नहीं होने देना है। वेस्टर्नाइजेशन जहाँ तक यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बाहर का जो कल्चर है उसके अच्छे कल्चर को हमने अडॉप्ट करना है, न कि हमने उस बुरे कल्चर को अडॉप्ट करना है। वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 2 में मैंने दो चीज़ें डिस्कस की अभी तक, जिसमें मैंने मॉरल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस की और पेरेंट्स जो है वो मॉरल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है वो कितना रोल अदा कर सकते हैं और टीचर्स की क्या भूमिका है इस मॉरल एजुकेशन को डेवलप करने में। आज जो हमने डिस्कस करना है आगे वो है स्ट्रेंथ क्या है, क्षमता क्या है, और किस तरह से। यूँ तो हमें मालूम है कि एक्सरसाइज के बाद हमारे अंदर रेजिस्टेंस खड़ा होता है और क्षमता हमारे बीच में आती है, हमारा शरीर जो है स्ट्रांग बन जाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है स्ट्रेंथन अवर बॉडी। सो मगर उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमने डिस्कस करना है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या है, आइसोटॉनिक एक्सरसाइज क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या है, वही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ। सो कंट्रैक्शन इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी किसमें, वो तो मसल्स में होंगी, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वही कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, कुछ इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, कुछ वॉलेंटरी मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी विल के मुताबिक जो है वो जो वॉलेंटरी होते हैं जो विल के मुताबिक करते हैं, जो इनवॉलेंटरी होते हैं जो हमारे विल के मुताबिक नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए होते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि मसल्स में टाइप्स क्या है, वॉलेंटरी मसल्स क्या हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स क्या हैं, मगर यहाँ तक जहाँ यहाँ जो आज का जो टॉपिक है वो है आइसोमेट्रिक। जो मैंने पहले आपको बताया आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ। इसमें क्या है, कंट्रैक्शन इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक। जो कंट्रैक्शन है, जैसे हम जब हम ऐसे आगे फेंकते हैं उसको होते हैं कंट्रैक्शन, और उसके बाद रिलैक्सेशन, जैसे वापस लिया तो हो गया कंट्रैक्शन, जब आगे लिया तो हो गया रिलैक्सेशन। व्हेन टेंशन इन द मसल इज डेवलप बट देयर इज नो चेंज, जब उसमें टेंशन तो डेवलप की हमने मसल्स में मगर उसकी लेंथ ऑफ मसल्स में कोई भी चेंज नहीं आए, उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। और दोज इन विच मूवमेंट्स ऑफ मसल्स आर विजिबल आर सीन, ये विजिबल भी होती हैं, और दीज, जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहता हूँ। होल्डिंग हाफ पुशअप्स, पुशअप्स आपको पता ही है जो हम करते हैं रूटीन में, प्रेसिंग एंड पुशिंग द बॉल, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, लिफ्टिंग वेरी वेट हैवी वेट एंड होल्डिंग द स्टैटिक पोजिशन, दीज एक्सरसाइज आर इफेक्टिव फॉर वेट लिफ्टिंग, जिमनास्टिक्स, जूडो और रेसलिंग, ये इन सारी चीज़ों में बहुत ही इफेक्टिव रोल अदा करता है। उसके बाद आता है इसकी क्या एडवेंटेजेस हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो, उसकी एग्जांपल्स के बाद में बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, सबसे पहले जो है इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो कहीं पर भी की जा सकती है। नो इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जिम वगैरह में जाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत, इस इक्विपमेंट की पड़ती है, डंबबेल्स वगैरह जो भी लेते हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे इसमें समय जो है वो बहुत कम यूटिलाइज हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है कि हम आज के दौर में जब
टाइम हमारे लिए बड़ा प्रेशियस हो चुका है, तो इसमें हमें समय की कम से कम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। और इसके बाद हाई लेवल स्टैटिक एंड मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उनको उनके उनको मैनेज करने में बहुत अहम रोल जो है वो परफॉर्म करती हैं। आइसो जो पहली एक्सरसाइज मैंने जिसको बताया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, और इसके बाद जहाँ तक आइसोटॉनिक की बात है, आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स टेंशन, टॉनिक का मतलब है टेंशन। इन आइसोटॉनिक कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्ट्स एंड शॉर्टन्स अंडर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ जॉइंट। दीज एक्सरसाइज आर द इन विच एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मसल्स कैन बी सीन डायरेक्टली। जहाँ पर पहले में हमने देखा था कि मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो दिखती नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट जो है मसल्स की वो हम देख सकते हैं डायरेक्टली। और ये इसकी जो एग्जांपल है वो जैसे वेट ट्रेनिंग, रनिंग, जंपिंग ऑन द स्पॉट, एक्सरसाइज विद मेडिसिन बॉल और बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोटॉनिक एक्सरसाइज। और जहाँ तक इसकी एडवांटेजेस हैं, दी जनरली एक्सरसाइज इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। देयर इज फुल रेंज ऑफ मूवमेंट इन द मसल्स, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट कैन बी एवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली एंड इट हेल्प्स टू डुप्लीकेट ए वैरायटी ऑफ सपोर्ट स्किल। बहुत सी सपोर्ट स्किल की जो उसकी हम कॉपीज वगैरह जो है वो कर सकते हैं इजिली, और ये जो स्किल्स होते हैं वो उसकी वजह से हमारे डेवलप होते हैं बहुत से स्किल्स स्पोर्ट्स में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, आइसोटॉपिक क्या है, आइसोटॉनिक क्या है, और उसके बाद एक्सरसाइज हमने की, ये जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की।